मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। विधानसभा के चुनाव की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दो पार्टियों में लड़ाई होगी, लेकिन आपने भी एमपी में मोर्चा खोल दिया है। पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कांत देव सिंह ने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है, जिससे प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई है। पर इसी बीच बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कांत देव सिंह ने आपको लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आप पार्टी के बड़े नेता भाजपा में आने के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पार्टी ने अनुमति नहीं दी है, इसलिए नेताओं को शामिल नहीं कराया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी की विचारधारा को राष्ट्रीय विरोधी बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो लगातार संपर्क करके भाजपा में आने की फिराक में लगे हुए हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद और अरविंद केजरीवाल से सीबीआई द्वारा पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी में भगदड़ सी मच गई है। केजरीवाल सरकार आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है। कुछ दिन पहले ही सूरत से 8 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं दिल्ली में आपके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सक्रियता की वजह से भाजपा के वोट बैंक में भी कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के गुजरात विधानसभा में चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगी थी। ऐसे में यह आलम एमपी के चुनाव में भी देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में कल परशुराम जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल में नए कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने किया। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप लगातार सक्रियता दिखा रही है। सिंगरौली से मेयर और प्रदेश अध्यक्ष ने भी दावा किया था कि कई पार्टी के नेता उनके संपर्क में है। बता दें कि एमपी में आप लोगों के दिलों में जगह बनाने में जुटी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल ने वादा भी किया है कि अगर एमपी में आपकी सरकार बनती है तो दिल्ली और पंजाब जैसी सुविधा प्रदेश वासियों को मिलेगी। हालांकि इन दोनों राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।